केक को मेक करना इजी नहीं। डिंग डिंग। कितना टेस्टी दिख रहा है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। देखो बच्चों, अगर तुम इसे खाना चाहते हो तो खा सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरी दुकान संभालनी होगी। समझ गए बच्चों? मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, थोड़ी देर में लौट आऊंगा। तब तक तुम मेरी दुकान का ध्यान रख लोगे ना? हाँ बिल्कुल, अब आप इसे हम पर छोड़ दीजिए। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। संभल के जाइएगा अंकल। हाय बच्चों। यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। यमी केक्स चाहिए हो तो यहाँ आइए। एकदम टेस्टी टेस्टी केक। कभी नहीं खाया होगा आपने ऐसा केक। खुश हो जाओ। हाँ, अगर यमी केक्स चाहिए हो तो यहाँ आइए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भले भाई आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो पहले मैंने तुमसे पूछा है केनिची। हम यहाँ खड़े होकर केक का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। हाँ, केक का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो? हाँ, हम एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं नहीं शुक्रिया, हम ये काम खुद ही कर लेंगे। हाँ मेरे भाई, फिकर ना, हम संभाल लेंगे। लेकिन इस जगह पर केक बनाए जाते हैं ना? अरे वाह, ये तो बड़ा बढ़िया केक लग रहा है। केक वाले अंकल ने आधा ही बनाया। तो चलो उनके आने से पहले हम इस केक को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर देते हैं। हाँ सच में ये बहुत आसान है। सबसे पहले हमें इस पर ढेर सारी क्रीम डालनी होगी। नीचे मुझे भी केक तैयार करना है। बच्चे ये नहीं कर सकते। तुम इसे अकेले नहीं बना सकते, मुझे भी करना है। तुम इसे खराब कर, देखा तुमने इसे खराब कर दिया ना? मैंने नहीं, तुमने खराब किया। तुम बहुत बोल रहे हो। ऐसा क्या? टेस्टी है। बेवकूफ कहीं के, ये लो। ये तो बहुत ही टेस्टी है। लो इसे खाओ। कुछ हुआ क्या? तुमने पूरा केक खा लिया। शिशिमानो, क्या तुमने पूरा केक खा लिया? बहुत ही टेस्टी था। अब क्या होगा? हम बेकरी वाले अंकल को क्या जवाब देंगे? ये सब क्या हो गया? अब हम क्या करें कनीची? बेकरी वाले अंकल तो हमें बहुत डांटेंगे। जल्दी से नया केक बनाओ। हमारे पास तो स्पॉन्ज केक भी नहीं है। ये तो मुसीबत हो गई। अब क्या करें? और तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, जैसे कि केक समझकर खा जाओगे? नहीं नहीं नहीं, मैं केक नहीं बनूंगा, समझ गए ना? कुछ नहीं होगा, मैं बस तुम पर थोड़ी क्रीम लगाऊंगा। लेकिन कुछ हो गया तो? घबराओ नहीं, मैं मम्मी से केक खरीदने के लिए कहूंगा और इसी दुकान में आकर तुम्हें खरीद कर ले जाऊंगा। नहीं नहीं रुक जाओ, मैं क्या कह रहा हूँ देखो, मेरी बात समझो। मान जाओ, मैं तुम्हें चॉकलेट रोल दूंगा। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। लो बन गया केक। चलो आखिर बन ही गया केक। कैसे हो बच्चों? तुम सब लोग यहाँ अंदर किचन में क्या कर रहे हो? अरे अंकल आप आ गए। ये तुम्हारे चेहरे पर क्या लगा है? इस केक को डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि आपका काम थोड़ा आसान हो जाए। हाँ, तुम बच्चे तो सच में बहुत होशियार हो, बहुत अच्छे, बिल्कुल प्रोफेशनल बेकर की तरह तुमने केक बनाया है। चलो अच्छा है, मुझे 5 बजे तक ये केक मिस्टर बांगड़ू के घर पहुँचाना था। आज उनके बेटे का बर्थडे है ना? यही वाला केक आप इसे ले जाएंगे? नहीं, अभी इस पर थोड़ी और डेकोरेशन करूंगा फिर ले जाऊंगा। क्या होगा अगर ये इसको ले गए तो हमारा बैंड बच जाएगा। ऐसे ऐसे, और इस पर ये क्रीम डालेंगे और ये तैयार हो गया। अब मैं इसे डिब्बे में रखूंगा। अच्छा, मैं इसे डिलीवर करके जल्दी वापस आता हूँ। तब तक तो मेरी दुकान का ध्यान रखना, ठीक है? क्या करें? मुसीबत कैसे टलेगी? अगर हम दोनों यहाँ ऐसे ही घूमते रहेंगे तो वो लोग शिशिमानु को केक समझ के खा जाएंगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ऐसा होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। डिंग डिंग, तुम लोग परेशान हो? थोड़ी तुम? क्या तुम लोगों को मेरी जरूरत है? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मेरे भाई शिशिमानु, मुझे सब पता है। चलो एक और केक बनाते हैं और उसे शिशिमानु वाले केक की जगह रखते हैं। लेकिन हमारे पास इतना समय कहाँ है? एक तरीका है, जल्दी से केक बनाने की निंजा टेक्निक। क्या कहा? जल्दी से केक बनाने की निंजा टेक्निक। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से केक बनाने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग।
ये रहा स्टार का वार। डिंग 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 डिंग। बेटा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। डिंग डिंग। चलो बेटा जल्दी से केक कट कर लो। हाँ। अरे ये क्या है? डिंग 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 डिंग। हाँ वो आखिर कहाँ से आया था? पता नहीं। खैर छोड़ो। डिंग 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 डिंग। शिशिमानु अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। कमांड। बच गया। आज तो केक की जगह मैं ही कटने वाला था। हमें माफ कर दो शिशिमानु। आओ मिलकर केक खाते हैं जो बेकरी वाले अंकल ने हमें दुकान संभालने के बदले में दिया है। नहीं नहीं मुझे कोई केक नहीं खाना है। मुझे तो केक के नाम से चीड़ हो गई है। लेकिन थोड़ी देर पहले तक तो ये तुम्हें बहुत पसंद था। ये अजीब हो। थोड़ी देर पहले ये खुद ही केक बना हुआ था इसीलिए अब इसे केक नहीं खाना है। डिंग डिंग। शिशिमानु के पेट दर्द ने कर दिया हमारा सिर दर्द। डिंग डिंग। अगर ऐसे ही खाते रहोगे तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। लेकिन अभी तो मेरा बस थोड़ा ही पेट भरा है। निंजा टेक्निक से मैं सबका खाना खा जाऊंगा। देखो तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बहुत भूख लगी थी। तुम्हें पता है ऐसा करने से तुम्हारे पेट में दर्द हो सकता है। सब तो खा लिया। अब क्या खाऊं? याद आ गया। फ्रिज खुल जाओ सिमसिम। ज्यादा खाने की निंजा टेक्निक। क्या बात है, सब मेरी पसंद का ही है। बाबा रे, इसका पेट है या कोई गोदाम बस खाता ही जा रहा है। मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे पेटू की तरह खाने से पेट खराब हो जाएगा। हथौड़ी, अब तुम ही अपनी निंजा टेक्निक से इसका दर्द खत्म कर सकते हो। पर ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। पहले भाई कुछ करो ना, ऐसे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे इंजेक्शन मत लगाना, निंजा टेक्निक से कुछ करो। पर शिशिमानु ये इतना आसान काम नहीं है। तो फिर हमें जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। हॉस्पिटल? नहीं नहीं नहीं, वहाँ मुझे इंजेक्शन लगा दे। मेरे पास इसके लिए कोई निंजा टेक्निक नहीं है इसीलिए शिशिमानु तुम्हें जाना ही पड़ेगा। नहीं जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। दर्द ठीक करने का क्या और कोई तरीका नहीं है हथौड़ी? ठीक है, एक टेक्निक है जिसमें खाना छोड़ देने से दर्द ठीक हो जाएगा। भूखे रहने की निंजा टेक्निक। जब किसी निंजा के पेट में दर्द होता है तो वो कुछ दिनों तक खाना नहीं खाता है जिससे खाली रहने की वजह से उसके पेट की सफाई हो जाती है और दर्द भी गायब हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे। लेकिन शिशिमानु तुम एक निंजा डॉगी हो इसीलिए तुम कुछ दिन तो क्या, कम से कम एक महीने तक बिना खाए रह सकते हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। खाना तो मेरी जिंदगी है। दर्द ठीक करने के लिए तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। बस 3 दिन की तो बात है, तुम कर सकते हो। इमोशनल अत्याचार मत करो। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम 3 दिन तक बिना खाए रह लोगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कितने हिम्मत वाले हो शिशिमानु। इसे कुछ नहीं हुआ है युमिको। लेकिन अब मैं इसका क्या करूँ? मैं तो तुम्हारे लिए गेट वेल सून का गिफ्ट लाई थी। क्या क्या लाई हो? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ये देखो, वाह चॉकलेट रोल। शिशिमानु खबरदार, जो इसे हाथ भी लगाया तो। मैं तो सिर्फ अपना मुंह लगाने वाला था शिशिमानु। सिर्फ एक ही, प्लीज शिशिमानु। तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो। ये क्या कह रहे हो, 3 दिन की तो बात है। बाय, अब मैं चलती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। चॉकलेट रोल? नहीं नहीं, पेट में दर्द हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, चॉकलेट रोल, चॉकलेट रोल। ये रस्सी वस्सी क्यों बांधी हुई है? अरे ये क्या, जाल में फंस गया मैं। मैं कोई शिकार नहीं हूँ। तुम चॉकलेट रोल ले रहे थे ना? तुम चोरी कब से करने लगे शिशिमानु? सिर्फ 3 दिन भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम?
मेरे मुंह में पानी आ गया था। 3 दिन तक तुम्हें कुछ नहीं खाना है, समझ गए? अब मैं इन चॉकलेट रोल्स को फ्रिज में रख रहा हूँ। 3 दिन बाद मैं ही खाऊंगा इसे। बिल्कुल हम इसे नहीं खाएंगे। तुम लोग याद रखना इसे, समझते नहीं? हाँ? ये क्या? शिशि मानू, मैं यहाँ कैसे आ गया और ये चॉकलेट रोल? तुम समझते क्यों नहीं शिशि मानू, तुमने अगर इसे खाया तो दर्द बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, रुक जाओ। अब जरा इसे ध्यान से देखना। डिंग डिंग डिंग, ये क्या है? शिशि मानू, अब तुम बहुत सारे चॉकलेट रोल्स खा चुके हो। मेरा पेट भर गया है और अब मैं सोने जा रहा हूँ। ये पेट में हलचल कैसे? 3 दिन बाद। ओए माँ, क्या अब मैं खाना खा सकता हूँ? तुम अब बिल्कुल ठीक हो। बहुत बढ़िया शिशि मानो, तुमने खाने को छुआ भी नहीं। अब तो तरस खा के मुझे कुछ खाना दे दो। डिंग डिंग, मुझे चॉकलेट रोल चाहिए। चॉकलेट रोल, चॉकलेट रोल। मुंह में एक साथ डालने की निंजा टेक्निक। कबड्डी 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 कबड्डी। शिशि मानू, अगर ज्यादा खाओगे तो फिर पेट दर्द होगा। जो भी होगा देखा जाएगा। वो क्या बैलेंस बनाया है देखो। शिशि मानू कभी नहीं बदल सकता। ये अगर ऐसे ही खाते रहेगा तो इस बार इसे 1 महीने तक कुछ खाने को नहीं देंगे। डिंग डिंग, शिशि मानू बन गया हीरो। डिंग डिंग, आज केनी जी कितना खुश लग रहा है। पहले मैंने सोचा कि वो अभी बच्चा है, बाद में लगा कि नहीं, वो तो बड़ा हो रहा है। अरे वाह, ये तो 8mm मूवी कैमरा है, इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता। है ना बहुत अच्छा। इस कैमरा से हम कहीं भी और कुछ भी शूट कर सकते हैं। क्यों ना हम इस कैमरा की मदद से एक निंजा मूवी बनानी शुरू कर दें? क्या ख्याल है? निंजा मूवी बनानी है? वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी मूवी में लीड रोल करने के लिए मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। लीड रोल तो मैं करूँगा और मेरी मूवी का टाइटल होगा निंजा द केनिची। क्या समझे? निंजा द केनिची। केनिची, तुम इन कपड़ों में बिल्कुल हीरो लग रहे हो। बिल्कुल एक असली निंजा की तरह। सबसे पहले मैं दूर से दौड़ता हुआ यहाँ आऊँगा। शिंजो, कैमरा ठीक से पकड़ना और अच्छे से शूट करना। ठीक है केनिची, मैं सब समझ गया। शॉट देने से पहले थोड़ी कसरत कर लूँ। 1 2 1 2 1 2, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। निंजा द केनिची, रोल 1, एक्शन। न जाने क्यों मेरी धड़कन रेलगाड़ी की तरह चलने लगी है। केनिची, शॉट रेडी है। हाँ हाँ, आया। केनिची को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे वाह, क्या बात है, एक दिन मैं भी हीरो जरूर बनूंगा। वाह, ये बंदा तो बहुत अच्छा कर रहा है। डिंग 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 डिंग, मुझे भी ऐसा ही करना है, मुझे भी। डिंग 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 डिंग, कबड्डी 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 कबड्डी। दीवार पर चलने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग, मैं ये कर सकता हूँ, देखो आज मैं ऊपर आसमान नीचे। केनिची, तुमने कपड़े तो निंजा के पहने हैं, लेकिन इससे तुम्हें निंजा टेक्निक्स नहीं आ जाएंगी। मालूम है, मैं दीवार पर चल नहीं पाया, लेकिन अगली टेक्निक में ऐसा नहीं होगा। मैं परछाई गायब करने वाली टेक्निक करूँगा। क्या कहा? इस टेक्निक को आजमाने में तो एक निंजा के भी पसीने छूट जाए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ आसान सिखा दूंगा। डिंग 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 डिंग, ध्यान बिल्कुल मेरी तरफ केनिची, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। डिंग 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 डिंग,
मैं परछाई को गायब करने वाली टेक्निक नहीं कर सकता हूँ, पर बाउंड्री वॉल पर दौड़कर गायब होने वाली ये निंजा टेक्निक मैं कर लूंगा। केनेची, तुम्हारी अपनी भी तो ताकत है, तुम ही तो कहते हो तुम्हें निंजा बनना है, अब चलो भी। मुझे डर लग रहा है। डरावने एक्सप्रेशंस मत दो केनेची। केनेची, इस निंजा टेक्निक में बिल्ली की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह चलना होता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मेरा हीरो बनने का भूत पूरी तरह उतर गया है। हथौड़ी, मेरी फिल्म में लीड रोल तुम ही करोगे। डिंग 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 डिंग। वैसे मूवी में हीरो बनने के नाम से तो मेरा भी दिल धक-धक कर रहा है। हथौड़ी, ये तुम्हारा शॉट है, इसे बहुत ध्यान से करना। क्या ज्यादा ध्यान से करना है वो भी तो बताओ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। केनेची प्रोडक्शंस द्वारा प्रस्तुत एक निंजा की जिंदगी पर बनी फिल्म केनेची प्रोडक्शंस अ टेल ऑफ निंजा हथौड़ी का मुहूर्त किया जाता है। वाह, क्या बात है, हुर्रे हुर्रे। चलो हथौड़ी, एक्शन। डिंग 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 डिंग। अरे वाह, मैं भी कूद सकता हूँ, देखो। डिंग 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 डिंग। ये क्या? क्या हुआ हथौड़ी? हथौड़ी, कैमरा की तरफ देखो। कैमरा देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, मैं भी नर्वस हो गया, क्या करूं? क्या नर्वस हो गए थे? डिंग 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 डिंग। हथौड़ी, कैमरा की तरफ बिल्कुल मत देखो, समझ लो यहाँ ना कैमरा है ना ही कोई और है, तुम बस स्टाइल से चाकू फेंकने का शॉट दो, समझ गए? ठीक है, करता हूँ डायरेक्टर साहब। रोल कैमरा, एक्शन। कैमरा की तरफ बिल्कुल मत देखना। क्या बात है? मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे कैमरा से डर नहीं लगता, देखो मैं क्या कमाल कर सकता हूँ। ये बहुत बढ़िया, बोले भाई। डिंग 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 डिंग। रुक जाओ, कैमरा में देखने से दोबारा गड़बड़ हो गई। बाल बाल बचे। बच गए बैंड। पापा, हमारी फिल्म बहुत अच्छी तो नहीं बनी है, लेकिन कोई बात नहीं, शुरू तो करो। वो देखो केनेची, कितना अच्छा लग रहा है। अरे वाह केनेची, बहुत अच्छे लग रहे हो। आगे आगे देखो, होता है क्या। अरे शिशी मानू, मुझे देखो, मैं चढ़ गया। अरे वाह हथौड़ी भी। मैं तो हीरो से जीरो हो गया। अरे वाह शिशी मानू का काम ज्यादा अच्छा है। ये मुझसे तो गड़बड़ हो गई। पूरी फिल्म में तो ये शिशिमानु ही छाया हुआ है, मैं तो साइड हीरो लग रहा हूँ, है ना केनेची? देखा आप लोगों ने, मैं हूँ असली हीरो, शिशिमानु तो निंजा। डिंग डिंग।